कांटा बहना सुने इस भजन को। 4 तारीख की क्या था? अच्छा, पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत धारण करती है माताएं? जोर से बोलो, करवा चौथ का व्रत। हमारी भी घरवाली रही थी, 4 तारीख की करवा चौथ। पंडित जी महाराज, 4 तारीख की करवा चौथ 30 तारीख को बोली खुशी के बाबा में बोलो कि तुम्हारी लंबी आयु करवे को मैं व्रत रखूंगी। मैं बहुत बढ़िया बात है, हमारी तो लंबी आयु होगी। बोली 1000 रुपया दी। मैं का करोगी? साड़ी में आवेगी? मैं जेब में 1000। बोली 800 दे दो। कहा कि पीछे ना आएंगे, अब 1800 हमारी जेब में हटे तो हमने दे दिए। मेरे दिमाग में थोड़ी सी पलटा खाया, मैंने कि आज 2 मिनट में बाबरो बना के 1800 घर ले गए, और 1800 रुपया देवे के बाद तब मेरी लंबी आयु है रही है। आज मुंह पे हटे तो मैंने, और जा बेचारे भैया पे 1800 ना भाई, बाकी तो फिर यूं ही कहे कि छोटो है जा, छोटो है जा। तो देखिए इन चीजों से कभी व्रत नहीं होता है। भजन को सुनना दादा। शक्ति किसके लगी और बूटी लेने कौन गए, और हनुमान जी ने जब पहचानना हुई तो क्या किया उन्होंने? पर्वत उठा लिया, और जब पर्वत उठाकर लौट रहे थे तो वो भगवान राम की अयोध्या पर होकर लौट रहे, और नीचे घूम रहे थे। नहीं मालूम भरत, और भरत ने बाण मार दिया किसके? और जब हनुमान जी घायल होकर जमीन पर गिरे तो मुख से क्या निकला? जोर से बोलो, हे राम, हे राम की आवाज सुनी तो भरत जी पहचान गए ये तो कोई राम का ही। और हे राम की आवाज सुनी तो जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, वो भी वही दौड़ी दौड़ी। भरत ने पूछा हनुमान से, आप कौन? के मैं राम भक्त हनुमान, रामा दल में जा रहा हूं। क्यों? कि लक्ष्मण जी पे शक्ति लगी है, और सूर्य उदय होने तक नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण बच नहीं। इस बात को सुनकर के उर्मिला बहुत जोर से हंस गई। हनुमान जी बोले, ये नारी जो हंस रही है ये कौन सी है? कि ये लक्ष्मण की ही, कि ये पत्नी कैसी है? इसी के पति के प्राण संकट में और ये नारी हंस रही है, तो या बांध टूट गया भरत का। पूछा उर्मिला, तू हंसी क्यों? उर्मिला बोली, मैं हनुमान की बातों पर हंस रही हूं। क्यों? कि ये बार बार कह रहे हैं कि सूर्य उदय होने तक नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण बच नहीं पाएंगे। कदापि झूठ बोल रहे हैं। जब तक मैं जिंदी हूं मेरे पति का बाल बांका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भजन का माध्यम सुने आप। हाँ सर, सुनो हनुमान। सतियों के सत पेट का सदा हमारा आदेश, और सत के आगे झुक गए वो ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनो हनुमान, मेरे पति का बाल बांका क्यों नहीं होगा? पतिव्रत भावों से मेरी मैया, सुनना भजन को। पति व्रत भावों से, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। जो सच्चे मन से पति की सेवा साधना करती है उसको तो भगवान भी आकर के वरदान। लेकिन सुनो हनुमान, मौत भी छू न सकेगी, मौत भी छू न सकेगी मेरे पत के प्राण। पत पत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। पत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। प्राण पत्र प्रभाव
बाबा से मिलते इन सखियों को अरदास बाबा से मिलते हैं सखियों को उर्मिला ने पूछा बस ये बता दो हनुमान जी मेरे पति किस अवस्था में पड़े हुए हैं रामादल में। हनुमान जी बोले राम की गोदी में सर है और जमीन पे उनका धड़ है नेत्र बन रहे हैं शक्ति जिगर के अंदर। अब उर्मिला और जोर से हंस गई। हनुमान जी बोले अब क्यों हंसी के अब कुछ नहीं होगा मेरे पति का अगर मेरी लाइन आपको समझ में आ जाए पैसा नहीं हो मत लेकिन सर पे हाथ जरूर धर जाना। क्यों धर्म धरा को धारण करते वो रघुवंशते हो धर्म धरा को धारण करते वो रघुवंश के बेटे। अब आपसे कहना रहा हूं कि ताली बजाइयो और मैं विश्वास है कि तुम तालियों को रोक भी नहीं पाओगे पनीर को। धर्म धरा को धारण करते सुनो हनुमान बोल रघुवंश के बेटे और मौत तो भला क्या मेरे पत का बिगाड़े वो मौत तो भला क्या मेरे पति का बिगाड़े जो स्वयं प्रभु की गोदी हनुमान जी बोले उर्मिला मुझे जाने दे नहीं सूर्य उदय हो जाएगा। अब सूर्य उदय की बात सुनी तो उर्मिला बहुत जोर से हंस गई। सुनो और दिन सूर्य उदय होता या ना होता ये सौ रुपये पिपल और ये सोदा दोनों मिलकर के इस भजन पर खुश होकर के दे रहे हैं एक बार ताली बजा दो इनके लिए भी। और दिन सूर्य उदय होता या ना होता लेकिन आज सूर्य उदय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सूर्य वंश की सूर्य वंश की अरे मैं कुल बदू कितनी बढ़िया बात कही उर्मिला ने। सूर्य वंश की मैं कुल बदू मन में मुद्र नहीं होंगे तो वंश हुए चंद्र वंश श्याम का और सूर्य वंश श्री राम का। तो सुनो हनुमान सूर्य वंश की मैं कुल बधू मन में मुद्र नहीं होंगे और आशीर्वाद मांग रहा हूं अब तुमसे बात बढ़िया लगे तो मन में मुद्र नहीं होंगे पर अपनी बहू को विधवा बनाने अपनी बहू को विधवा बनाने वो सूर्य स्वयं उदित नहीं होंगे। हो अपनी बहू
कि बेटा मर जाओ और बेटा की बहू रान रह जाए। ऐसा कौन सा वादा है कि नाती मर जाओ और नाती की बहू रान रह जाए। अपनी बहू को विधवा बनाने वो सूर्य स्वयं उदित नहीं होंगे क्यों मेरी साधना की वो भी मेरी साधना की वो भी मेरी साधना की वो भी लक्ष्मी आर मौत भी छू न सकेगी मेरे पथ के प्यार पथ तक भावों से मिलते हैं सखियों को बदला पथ तक अच्छा मेरी मैया नारी के कितने श्रृंगार होते हैं 16 नहीं होते 17 होते हैं। एक एक्स्ट्रा बड़ा लो इनमें एक स्टेपनी सी लगाना सीखिए पीछे हैं। लेकिन ध्यान करो यहां तक रह के यहां तक लाल लाल भर लो और आदमी तो कह रही है एक कप चाय बना लाओ तो वो आपका भाव नहीं है। लेकिन मैं दो लाइन कह रहा हूं जो धर्म पे नारी चलती तो भाव जगा कर क्या होगा जो धर्म पे नारी चलती तो भाव जगा कर क्या होगा जो पति की सेवा ना करे तो सिंदूर लगा कर क्या होगा सिंदूर लगा कर क्या होगा सिंदूर लगा कर क्या होगा मेरी साधना की मोदी रखेंगे मौत भी छू न सकेगी मेरे पथ के प्यार पथ तक भावों से मिलते हैं। हनुमान जी बोले सूर्य उदय ना हो लक्ष्मण जी मरंगे ना है तो फिर नाटक क्या है। अब उर्मिला ने बताया कि अब मैं बता रही हूं नाटक क्या है। नींद नार भोजन को जो त्यागे तो विकट विराम दिया है क्यों राम वीर ने मेरे पति को कुछ पल आराम दिया है लाखवीर ने मेरे पति को कुछ पल आराम दिया है। जो इंसान घरवाली छोड़कर रह लेगा भूख को छोड़कर भी रह लेगा लेकिन नींद ऐसी चीज है कि पत्थरों पर भी नींद इसलिए अब जय जय श्री राम कहो तुम जय जय श्री राम कहो तुम एक हाथ उठाएं जिनको हाथ दिया वो एक हाथ उठाएं और मेरे साथ साथ बोले जय जय श्री राम कहो तुम जय जय श्री राम कहो तुम अब जाओ हनुमान। लेकिन जाते जाते ये भी सुन लो मौत भी छू न सकेगी मेरे पथ के प्यार पथ पत भावों से मिलते हैं सखियों को।